विथ कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में स्टार्ट करें चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर। देखिए ये जो इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ये जो वेटेज है इसका 8 मार्क्स का वेटेज है। टर्म टू में जो आपका 40 मार्क्स का पेपर है, आउट ऑफ 40 इसका जो वेटेज है वो कितना है, 8 मार्क्स का। एट मार्क्स का इसका वेटेज है इश्यू ऑफ डिबेंचर का। और ये बहुत इजी चैप्टर है इसका, इसमें से कुछ पार्ट अपन ने इश्यू ऑफ शेयर्स में भी पढ़ रखा है। ये बहुत इजी चैप्टर है और इसका जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का होगा, आउट ऑफ 40 8 मार्क्स का इसका वेटेज है हमारे टर्म टू में। देखो स्टार्ट कर रहे हैं विद डिबेंचर। देखो डिबेंचर्स क्या होते हैं, अपन ने पढ़ा था कि कंपनी को जो भी टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो टोटल जो भी उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जितनी भी कैपिटल उसको चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद उस कैपिटल को अरेंज करने के 5 सोर्स थे। पहला सोर्स था इक्विटी शेयर, सेकंड सोर्स था आपका प्रेफरेंस शेयर, थर्ड है डिबेंचर, फोर्थ इज लॉन्ग टर्म लोन एंड लास्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। तो अपन ने पढ़ लिया अभी टर्म वन में कि कंपनी जब अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट शेयर्स के थ्रू करती है, थ्रू इक्विटी शेयर और थ्रू प्रेफरेंस शेयर, तो उसकी कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होती है वो अपन ने पढ़ ली। अब अपन इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि जब एक कंपनी अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट डिबेंचर्स के थ्रू करती है, तो जब ये कंपनी अपने डिबेंचर्स इश्यू करती है तो कंपनी की बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। ये जो डिबेंचर्स होते हैं एक तरीके का लोन होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन, ये कंपनी का एक सिक्योर्ड लोन होता है, ठीक है ना। ये जो डिबेंचर्स हैं, ये जो कंपनी अपने डिबेंचर इशू करती है, इस पर कंपनी को एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना होता है। इन डिबेंचर के नाम ही ऐसे होते हैं, डिबेंचर्स किस तरीके से लिखते हैं अपन, जैसे 6% डिबेंचर, नाम ही यही होता है इनका, 6% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। तो ये जो रेट लगी है ना 6% 10%, का मतलब क्या है कि ये जो डिबेंचर्स हैं इस पर आपको हर साल जो भी ये परसेंटेज, इस परसेंटेज से इंटरेस्ट पे करना है, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, आपको इस फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। रेट फिक्स डेट इंटरेस्ट की, जैसे 6% डिबेंचर है तो मतलब इस पे ये जो डिबेंचर आप इश्यू करोगे इस पे हर साल आपको 6% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, आपको ये कंपल्सरी पे करना है। जैसे ये 10% डिबेंचर है तो इस डिबेंचर पे आपको 10% की रेट से क्या करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। तो इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर में पहला डिफरेंस यही है कि इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है, लॉस होता है तो नहीं देते, प्रॉफिट होता है तभी देते हैं, और कोई इसकी रेट फिक्स नहीं होती। जबकि डिबेंचर्स के केस में उनको जो आपको रिटर्न करना है वो फिक्स्ड है, और डिबेंचर होल्डर को इन रिटर्न क्या पे करती है कंपनी, इंटरेस्ट पे करती है एक फिक्स रेट से, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, राइट। दूसरी चीज, ये जो कंपनी अपने डिबेंचर इश्यू करती है इसका पैसा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कंपनी को वापस रिफंड करना होता है अपने डिबेंचर होल्डर को। इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं था, कंपनी इक्विटी शेयरहोल्डर से पैसा ले रही है तो वो रिटर्न करने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब डिबेंचर होल्डर से पैसा लेंगे तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये पैसा उनको वापस रिफंड करना होगा, लौटाना पड़ता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डिबेंचर और शेयर्स में, ठीक है ना, कि डिबेंचर जो कंपनी अपने डिबेंचर इशू करती है उस पर एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है ना। दूसरी बात, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कंपनी को अपने डिबेंचर्स का अमाउंट वापस रिफंड करना होता है, राइट। कंपनी के लिए जो डिबेंचर्स है एक तरीके का एक सिक्योर्ड लोन है कंपनी के लिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो लोन है। तो अगर अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में इसको शो किया जाता है एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। हेडिंग तो कौन सा होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी, और जो सब हेडिंग होता है वो होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो अपन बोल सकते हैं जो डिबेंचर है, डिबेंचर कंपनी की क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है कंपनी डिबेंचर, ये जो डिबेंचर है वो कंपनी की क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, राइट।
अब इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे कि जब एक कंपनी अपने डिबेंचर इश्यू करेगी तो उस केस में कंपनी की बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, वो अपन को यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि कंपनी है जो अपने डिबेंचर इश्यू कर रही है अपनी कैपिटल को अरेंज करने के लिए, तो इसकी एंट्री कंपनी की बुक्स में कैसे होगी। सबसे पहले डिबेंचर आप जब इश्यू करते हैं कैश में, तो यहाँ पे सारी एंट्री वही होती हैं जो भी आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ी हैं। वही एप्लीकेशन आएगी तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर्स अलॉट करेंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। फिर अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं, जैसे शेयर का इश्यू प्राइस इंस्टॉलमेंट में मंगाया था, ऐसे आप डिबेंचर का भी जो भी इश्यू प्राइस है उसको भी इंस्टॉलमेंट में मंगा सकते हैं। वही पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल। तो अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, फिर डिबेंचर अलॉटमेंट रिसीव होगा तो एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करा एंट्री होगी डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करा एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे एंट्री होगी डिबेंचर सेकंड कॉल टू डिबेंचर, और फिर सेकंड कॉल रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर सेकंड कॉल। तो सारी एंट्री वही होंगी जब डिबेंचर को कैश में इशू किया जाता है, तो सारी एंट्री वही होंगी जो आपने अभी इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ी है, बस वो शेयर्स की जगह डिबेंचर लग जाएगा, बाकी सारी एज इट इज सारी एंट्री वही होंगी। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें, डेट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कि आपने कोई फिक्स असेट परचेज करा, कोई फिक्स असेट परचेज करा, या किसी का पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया, तो किसी का कोई फिक्स असेट परचेज करोगे तो एज अ कंसिडरेशन कुछ पे करना पड़ेगा। किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो तो जिसका भी बिजनेस आप टेक ओवर कर रहे हो उसको आपको एज अ कंसिडरेशन कुछ पे करना पड़ेगा। तो जो कंसिडरेशन अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसमें आप कैश नहीं दे रहे, वो पेमेंट आप चेक से नहीं कर रहे, वो पेमेंट आप कैसे कर रहे हो, अपने डिबेंचर्स देके। आप अपने डिबेंचर इशू करके उस वेंडर का क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसके अंदर दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है एंट्री ऑन द डेट व्हेन फिक्स असेट इज परचेज। जैसे आपने कोई फिक्स असेट परचेज करा, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी एक फिक्स असेट परचेस करा, तो फिक्स असेट को परचेस करने की एंट्री क्या होगी, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो फिक्स असेट अकाउंट, और फिक्स असेट आपने जिससे परचेस करा उसको वेंडर बोलते हैं, तो इसलिए वेंडर अकाउंट। तो फिक्स असेट आपका असेट है, इट इज अ रियल अकाउंट। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस में फिक्स असेट नाम का असेट आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए फिक्स असेट अकाउंट तो हो गया डेबिट। वेंडर क्या है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो वेंडर वेंडर आपको फिक्स असेट दे रहा है क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए वेंडर अकाउंट हो जाएगा आपका क्या, क्रेडिट। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे एंट्री ऑन द डेट व्हेन बिजनेस इज परचेज बाय अ कंपनी। अब कंपनी ने क्या करा, किसी का पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया, एक चलता हुआ पूरा का पूरा बिजनेस क्या करा, टेक ओवर कर लिया। इसके अंदर दो कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन इफ परचेज कंसिडरेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि आपने जो बिजनेस को टेक ओवर करा है इसके लिए आपको कितना कंसिडरेशन पे करना है, वो कंसिडरेशन अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो अब उस केस में क्या एंट्री होगी बिजनेस को टेक ओवर करने की। तो देखो तीन कंडीशन बन सकती हैं आपके सामने, जैसे सपोज करो आप किसी का एक कंपनी है जो बिजनेस टेक ओवर कर रही है, तो जब अपन किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो जो सामने वाले के जो असेट्स है वो आपके असेट्स कहलाएंगे, प्लस उसकी जो लाइबिलिटीज है वो भी आपकी लाइबिलिटीज कहलाएंगी। तो आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर करा तो बिजनेस में जो असेट्स टेक ओवर करे उसकी वैल्यू थी 15 लाख रुपीज, और जो बिजनेस आप टेक ओवर कर रहे हो उसके अंदर जो लाइबिलिटीज आपने टेक ओवर करी है, सामने वाले बिजनेस की जो लाइबिलिटीज आपने टेक ओवर करी है वो कितने की है, 5 लाख की। तो अगर सामने वाले के बिजनेस का अगर वैल्यूएशन करने की सामने वाले बिजनेस की वैल्यू कितनी है, तो बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे करोगे, असेट टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस, सामने वाले बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी वैल्यू ऑफ बिजनेस, और इसको अपन नेट असेट्स भी बोलते हैं। जो बिजनेस आपने टेक ओवर करा उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 लाख, क्या होगी वैल्यू, 10 लाख।
अब सपोज करो परचेज कंसिडरेशन में आप 10 लाख रुपीज ही पे कर रहे हैं, मतलब जितनी उसके बिजनेस की वैल्यू उतना ही अमाउंट आप उसको पे कर रहे हो, तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में ये बिजनेस किसने टेक ओवर करा है? कंपनी। तो कंपनी की बुक्स में इस बिजनेस को टेक ओवर करने की क्या एंट्री होगी? ये जो भी असेट है वो सारे असेट्स कंपनी के हो गए। तो बिजनेस में जब किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम अपने असेट अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कितना? 15 लाख। ये लाइबिलिटीज भी अब कंपनी की लाइबिलिटीज बन गई। तो बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी। कितने की आ गई लाइबिलिटीज? 5 लाख की। और कौन दे रहा है बिजनेस? वेंडर दे रहा है। तो वेंडर अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और ये किससे क्रेडिट होगा? जो भी आपका परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है। तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है? 10 लाख। तो ये जो एंट्री आपने पास करी, काय की एंट्री पास हुई है? फॉर टेक ओवर द बिजनेस, बिजनेस को टेक ओवर करने की। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कंपनी है वो किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रही है, उसके अंदर वो जो असेट टेक ओवर कर रही है वो कर रही है कितने के? 15 लाख के। जो लाइबिलिटीज वो टेक ओवर कर रही है वो कितने की कर रही है? 5 लाख की। यानी जो बिजनेस टेक ओवर कर रहा है इसकी वैल्यू क्या? वैल्यू ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस हम टेक ओवर कर रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी हो गई? वही कितनी हो गई? 10 लाख रुपीज हो गई। लेकिन आप परचेज कंसिडरेशन में इस वेंडर को 12 लाख रुपीज पे कर रहे हैं। कितने पे कर रहे हैं? 12 लाख। तो बात आ रही है सामने वाले बिजनेस की वैल्यू तो 10 लाख रुपीज ही है, लेकिन आप उसको पे कितना कर रहे हो? 12 लाख रुपीज पे कर रहे हो। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप उसको दे रहे हो, ये एक्स्ट्रा जो अमाउंट आप उसको पे कर रहे हो कि बिजनेस की वैल्यू तो 10 लाख रुपए ही है, लेकिन आप पे कितना कर रहे हैं? 12 लाख रुपीज आप पे कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 लाख आपने पे कर दिए, ये आप काय के पे कर रहे हैं? उसके बिजनेस की गुडविल के पे कर रहे हैं आपने। कितने? 2 लाख रुपीज। समझ में आई गई ये बात? कि बिजनेस टेक ओवर करते समय जितनी सामने वाले बिजनेस की वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट का अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, तो वो जो एक्सेस अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो काय का पे कर रहे हैं? उसकी गुडविल का। तो ये 2 लाख रुपीज आपने उसकी गुडविल का क्या करा है? पे करा है। तो क्या एंट्री पास होगी? असेट अकाउंट डेबिट। कितने असेट्स आ रहे हैं? 15 लाख के, ठीक है। प्लस आपने क्या करा? गुडविल परचेज करी है, तो गुडविल भी आपकी असेट होती है। तो गुडविल के नाम का असेट आ गया कितने का? 2 लाख का। 2 लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज आपने टेक ओवर करी है वो कितने की करी है? 5 लाख की लाइबिलिटीज आपने टेक ओवर करी है। 2 वेंडर, यहां पे हमेशा क्या क्रेडिट होगा? यहां पे क्रेडिट होगा परचेज कंसिडरेशन। तो कितना परचेज कंसिडरेशन आप पे कर रहे हैं? 12 लाख का। समझ में आई क्या बात? एक और कंडीशन लेते हैं, सेम यही चीज कि अपन ने क्या करा, एक बिजनेस कंपनी एक बिजनेस को टेक ओवर करा जिसके असेट्स की वैल्यू 15 लाख है, लाइबिलिटीज टेक ओवर करी बिजनेस की 5 लाख की, यानी वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आ गया? 10 लाख। अब सपोज करो परचेज कंसिडरेशन में हम 9 लाख रुपीज ही पे कर रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन में कितना पे कर रहे हैं? 9 लाख। तो सामने वाले बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 10 लाख, और कंसिडरेशन में केवल 9 लाख ही दे रहे हो। तो यहां पे आपको 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 1 लाख रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका कहलाता है कैपिटल प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है आपका? कैपिटल प्रॉफिट है। और ये जो कैपिटल प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। ये ट्रांसफर हो जाता है कहां पे? ये ट्रांसफर हो जाता है कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। ये ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। तो जो बिजनेस आपने टेक ओवर करा उसकी वैल्यू 10 लाख है, एज अ कंसिडरेशन आप उसको केवल 9 लाख ही पे कर रहे थे, तो यहां पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। ये प्रॉफिट आपका कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, एंड दिस कैपिटल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या पास होगी? जो असेट आपने टेक ओवर करे उनको करेंगे डेबिट। तो असेट अकाउंट डेबिट, कितने के असेट टेक ओवर कर लिए आपने? 15 लाख के। जो लाइबिलिटीज आपने टेक ओवर करी उसको करेंगे क्रेडिट। तो 2 लाइबिलिटीज कितनी? 5 लाख। 2 वेंडर, यहां पे हमेशा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट क्रेडिट होगा। तो व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन अमाउंट? 9 लाख। और
क्रेडिट करेंगे कितना कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व है आपका कितना 1 लाख। समझ में आ गया। तो जब किसी का बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो ये 3 कंडीशन सामने आ सकती हैं। समझ में आ गई तीनों, कोई डाउट किसी को? अब क्या है यहां पे, ये जो वेंडर है ना आपका, ये वेंडर, ये वेंडर या फिर ये वेंडर, इसको कंसिडरेशन पे करना है। तो कंसिडरेशन में हम क्या पे करेंगे? अच्छा, एक कंडीशन और बनेगी इसमें, क्या है वो कंडीशन? इफ परचेज कंसिडरेशन अमाउंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अभी तो मैंने बताया वो जो परचेज कंसिडरेशन था वो क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने क्या करा, जो भी बिजनेस की वैल्यू थी और परचेज कंसिडरेशन को कंपेयर कर लिया। लेकिन सपोज करो ये परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जो असेट आप टेक ओवर कर रहे हैं उनको करेंगे डेबिट, जो लाइबिलिटीज आप टेक ओवर कर रहे हैं उनको करेंगे क्रेडिट, टू वेंडर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा डिफरेंस अमाउंट वही आपका क्या कहलाएगा, परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। अब यहां पे आपका ये जो वेंडर है या ये वेंडर है, ये वेंडर है, इनको पेमेंट करना है। तो पेमेंट कैसे कर रहे हैं? पेमेंट में हम एज अ कंसिडरेशन इनको पेमेंट में हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं। पैसा नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं? डिबेंचर्स। तो डिबेंचर जब एज अ कंसिडरेशन इश्यू किए जाते हैं तो वो पार पे भी हो सकते हैं, वो प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, वो डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। अपन ने शेयर्स में भी पढ़ा था, लेकिन जब शेयर एज अ कंसिडरेशन इश्यू होता था तो वो डिस्काउंट पे नहीं होता था। लेकिन डिबेंचर्स को अगर आप एज अ कंसिडरेशन इश्यू कर रहे हैं तो वो डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकता है। तो अगर शेयर आपने वेंडर को, ये जो डिबेंचर है वो इश्यू करा है पार पे, तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट, जो भी रिसीव कर रहा है वेंडर, टू डेजेस परसेंट डिबेंचर, डेज मतलब जो भी परसेंटेज है आपका। ये डिबेंचर के नाम ही ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया 6% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, 10%, 12%। परसेंटेज का मतलब मैंने बता दिया क्या है, जैसे 12% डिबेंचर मतलब इस डिबेंचर पे हर साल एवरी ईयर आपको 12% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है। अच्छा, ये जो रेट है ना, ये रेट, दिस इज पर एनम रेट, ये आपकी पर एनम रेट होती है इंटरेस्ट की, ठीक है। अब डिबेंचर अगर आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डेजेस परसेंट डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे तो आ जाएगी आपकी फेस वैल्यू, जो भी डिबेंचर की फेस वैल्यू है, और यहाँ पे आएगा आपका इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू का डिफरेंस, वो आपका क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। और डिबेंचर अगर आपने डिस्काउंट पे इश्यू करें तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डेजेस परसेंट डिबेंचर। यहाँ पे आएगी फेस वैल्यू, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट का अमाउंट, और यहाँ पे जो भी इश्यू प्राइस है वो। अब ये एंट्री करने के लिए, जो एंट्री है ये एंट्री करने के लिए आपको ये चाहिए होते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू, अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर, फिक्स एसेट या बिजनेस परचेज करते समय वेंडर अकाउंट में जो क्रेडिट किया है उसको डिवाइड कर दोगे किससे? इश्यू प्राइस ऑफ द डिबेंचर, जो भी आपके डिबेंचर की इश्यू प्राइस है उससे। तो क्या आ जाएंगे आपके? नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू निकल के आ जाएंगे, राइट। देखिए बुक का निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 2.16। देखो क्या कह रहा है, सुविधा लिमिटेड परचेज, सुनिए, सुविधा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹1,98,000। कह रहे कंपनी है सुविधा लिमिटेड, इसने क्या करा, मशीनरी परचेज करी 1,98,000 की। सुविधा लिमिटेड ने 1,98,000 की मशीनरी परचेज करी है सप्लायर्स लिमिटेड से, किससे? सप्लायर लिमिटेड से। द पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 12% डिबेंचर, और इसका पेमेंट कैसे होगा? बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, राइट। अब कह रहे हैं इसकी जर्नल एंट्री पास करनी, एक तो मशीन को परचेज करने की और दूसरा ये डिबेंचर्स को इश्यू करने की। 3 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन कह रहा है इफ डिबेंचर्स वर इश्यूड एट पार, तो
यानी इसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 है, और कह रहा है डिबेंचर को इश्यू भी कितने में करेंगे, 100 रुपीज में डिबेंचर को क्या करेंगे, इश्यू करेंगे। लिखिए कॉपी में लिखिए जर्नल एंट्री, राइट फर्स्ट एंट्री फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, राइट फर्स्ट एंट्री फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम दे रखता है, वेंडर का नाम है सप्लायर्स लिमिटेड, तो टू सप्लायर्स लिमिटेड वेंडर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स लिमिटेड, कितने की मशीन परचेज करी है 1,98,000 की, 1,98,000 की मशीनरी अपन ने परचेज करी है, राइट। अब ये जो आपका वेंडर है इसको अपन को कंसिडरेशन में 12% डिबेंचर्स देने हैं, और कह रहा है डिबेंचर इश्यू हो रहा है पार पे, मतलब जो फेस वैल्यू उसी पे इश्यू कर रहे हैं, तो पहले अपन निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू कैसे निकलेगा, अमाउंट, अमाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट, अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, सॉरी डिबेंचर, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर कितना क्रेडिट करा है 1,98,000 डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर, इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर इज 100, यानी कितने डिबेंचर इश्यू होंगे 1,980, कितने डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं 1,980 डिबेंचर्स क्या हो रहे हैं, इश्यू हो रहे हैं। तो आपकी एंट्री क्या होगी इन डिबेंचर्स को इश्यू करने की, सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने दे रहे हो 1,980 डिबेंचर दे रहे हो, और एक डिबेंचर कितने का दे रहे हैं 100 का दे रहे हैं, 12% डिबेंचर, यहां पे हमेशा फेस वैल्यू क्रेडिट होगी, और फेस वैल्यू क्या है आपकी 100 रुपीज ही है, तो 1,980 डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं कितने में 100 ईच में, तो सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, मतलब ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। सेकंड केस क्या कह रहे हैं, डिबेंचर्स आर इश्यूड एट 10% डिस्काउंट, कि हमने डिबेंचर इश्यू करें 10% डिस्काउंट, हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, आप उसको इश्यू कर रहे हैं कैसे 10% डिस्काउंट पे, तो 100 का 10% कितना होता है 10 रुपीज होता है, तो 100 के डिबेंचर को 10% डिस्काउंट, मतलब 10 रुपीज के डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं, यानी इश्यू प्राइस कितनी होगी डिबेंचर की 90 रुपीज आपके डिबेंचर की इश्यू प्राइस हो गई। तो फर्स्ट एंट्री तो यह सेम ही रहेगी, क्या एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, टू सप्लायर लिमिटेड, कितने डिबेंचर इश्यू करे थे अपन ने, सॉरी कितने ही खरीदी थी मशीन, 1,98,000 की मशीन खरीदी थी। अब अपन को निकालने की इसको कितने नंबर ऑफ डिबेंचर हम इश्यू करेंगे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू इज इक्वल टू अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट, कितना क्रेडिट करा है 1,98,000 डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर, व्हाट इज द इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर, इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर इज 90 रुपीज, ये आएंगे आपके कितने 2,200 डिबेंचर, यानी आप 2,200 डिबेंचर्स क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे एंट्री क्या पास हो जाएगी आपकी, सप्लायर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, सप्लायर लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने डिबेंचर दे रहे हो 2,200 मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर, एक डिबेंचर कितने का दे रहे हो
₹90 का दे रहे हो, एक डिबेंचर कितने का दे रहे हैं 90 का। अब ये जो डिबेंचर होल्डर, ये जो आपने डिबेंचर इशू करते समय आपने ये जो डिस्काउंट दिया 10 का, ये कंपनी के लिए तो लॉस है, ये कंपनी के लिए तो लॉस है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ नॉमिनल अकाउंट नेचर, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा कितना 2,200 × 10, 12% डिबेंचर यहां पे आ जाएगी आपकी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी थी हमारी ₹100, फेस वैल्यू कितनी थी 100, पता ही समझ में आया। सी केस क्या कह रहा है, डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% प्रीमियम, कि डिबेंचर हमने इश्यू करा कैसे 10% प्रीमियम पे, तो हमारा डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू तो 100 है और आप उसको इश्यू कर रहे हो कैसे 10% प्रीमियम पे, तो 100 का 10% ₹10 होता है प्रीमियम है, तो मतलब ये डिबेंचर कितने में इश्यू हुआ है 110 रुपीज में आपने इस डिबेंचर को क्या करा है इश्यू किया है। तो वही सेम मशीन को परचेज करने की एंट्री क्या होगी आपकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स लिमिटेड, कितने की मशीन अपन ने परचेज करी है 1,98,000 की, और यहां पे सप्लायर को कंसिडरेशन में क्या दे रहे हैं, कंसिडरेशन में डिबेंचर्स दे रहे हैं, और डिबेंचर कितने में इश्यू हो रहा है 110 में, तो नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू कैसे निकालेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट कितना क्रेडिट करा 1,98,000 डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर कितना है 110, ये डिबेंचर्स हमारे निकल के आएंगे कितने 1800, कितने आ रहे हैं 1800। तो एंट्री क्या होगी, सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना दे दिया सप्लायर लिमिटेड को 1800 डिबेंचर दिए, और एक डिबेंचर कितने का दिया है 110 का, एक डिबेंचर कितने का दिया 110 का, टू 12% डिबेंचर यहां पे आएगी आपकी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना है 1800 × 100, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है आपका 1800 × 10, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10A, क्या कह रहा है, दीपक लिमिटेड परचेज अ फर्नीचर वर्थ ₹2,20,000, कह रहा है दीपक लिमिटेड ने क्या परचेज करा, फर्नीचर परचेज करा, कितने का फर्नीचर परचेज करा ₹2,20,000 का, ₹2,20,000 का फर्नीचर परचेज करा फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट ऑन 1 अप्रैल 2019, 50% ऑफ द अमाउंट टू फर्नीचर मार्ट बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस 2,20,000 का 50% कितना होता है 1,10,000 होता है, बोले ये सेटलमेंट तो कैसे करा, बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करके, और क्या कह रहे हैं द बैलेंस कितना बचा 1,10,000 बचा बाकी का बैलेंस, तो कह रहे हैं जो बैलेंस है इसका पेमेंट कैसे करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे बाय इशूइंग 9% डिबेंचर,
बाय इश्यूइंग 9% डिबेंचर और ₹100 एट 10% प्रीमियम। सच में है क्वेश्चन, एक कंपनी है दीपक लिमिटेड, उसने फर्नीचर परचेस करा 2,20,000 का, उसमें से आधा पेमेंट तो वो कैसे एक्सेप्ट कैसे सेटल करेंगे, बाय एक्सेप्टिंग बिल्स पेबल, और रिमेनिंग हाफ जो बचा उसका सेटलमेंट कैसे होगा, बाय इश्यूइंग डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। अब इसकी एंट्री करनी है, लिखिए फर्स्ट एंट्री करिए फॉर परचेजिंग फर्नीचर, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट, टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट 2,20,000। ठीक है, अब रिमेनिंग हाफ का क्या करेंगे, आप बिल्स पेबल एक्सेप्ट करेंगे, थैंक यू जाएगी मैसर्स फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल 1,10,000। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तो अपन को बाकायदा जर्नल का फॉर्मेट बना के करना, याद है ना जर्नल का फॉर्मेट ऐसा होता है, और विथ नरेशन, सब्जेक्टिव पेपर आएगा आपकी बार, याद दिला रहा हूँ, तो ये बाकायदा फॉर्मेट बनाएंगे आप जर्नल का, और उसमें जर्नल एंट्री पास करेंगे विथ नरेशन, ये फॉर्मेट और नरेशन के मार्क्स कट जाते हैं, पूरा क्वेश्चन सही होगा, पूरे में से एक नंबर कट जाएगा अगर ये फॉर्मेट और नरेशन नहीं लिखे तो। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, रिमेनिंग कितना बचा, 1,10,000 बचा, इसका सेटलमेंट कैसे होगा, बाय इश्यूइंग 9% डिबेंचर और ₹100 एट 10% प्रीमियम। तो यहां निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर, कितना क्रेडिट करा है 1,10,000 डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर, तो 100 का डिबेंचर है 10% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, तो 100 का 10% 10 होता है, मतलब कितने में इश्यू हो रहा है डिबेंचर, 110 में, तो यानी कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू होंगे, 1,000 डिबेंचर आप क्या करोगे, इश्यू करोगे, तो एंट्री क्या पास होगी, मैसर्स फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट, कितने डिबेंचर दे रहे हैं 1,000, एक डिबेंचर कितने का दे रहे हैं 110 का, टू 9% डिबेंचर, टू 9% डिबेंचर कितना 1,000 × 100 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,000 × 10 1,000 ×